आखिर ग्वेंटिन कितना पावरफुल है? मेन टाइमलाइन में ग्वेंटिनसन अपने अनोरेड पावर के साथ बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। इसके साथ क्वीन के पास मैजिकल स्पेल्स के पावर भी है और ये सभी पावर्स उसने खुद अपने अंदर डेवलप किया है। अगर ग्वेन खुद से ही मेहनत करके अपने अकल का इस्तेमाल करके इतनी पावरफुल बन पाई है तो ये सोचो ग्वेन ऑमनीट्रक्स के साथ कितनी पावरफुल बनेगी। तो चलिए उस टाइम से स्टार्ट करते हैं जब एक अल्टरनेट टाइमलाइन में ग्वेन को ऑमनीट्रक्स मिला और वो बनी ग्वेंटिन। चीजें सेम तरीके से हुआ जैसे हमारे प्राइम बेन के साथ हुआ था और दोनों ही हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुए थे, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हीट ब्लास्ट बनने के बाद बेन ने पूरे एक जंगल को आग से जला दिया था, वही ग्वेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसने फायर पावर की मदद से आसमान पे अपना नाम लिखकर बता दिया कि वो इन पावर्स को कितने अच्छे से हैंडल कर सकती है बेन के मुकाबले। संभल कर, जंगल में आग लग सकती है। सिर्फ एक बेवकूफ जंगल में आग लगा सकता है, हटो रास्ते से। गजब बेइज्जती है। इसके बाद उस टाइम को देखते हैं जब ग्वेंटिन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुई थी। यह डायमंड हेड को विगस के ड्रोन के साथ फाइट करना पड़ा था। इस रोबोट ड्रोन को हराने के लिए मेन टाइमलाइन में बेन को जितना टाइम लगा था उससे भी कम टाइम में ग्वेन ने इस ड्रोन को हरा दिया था, जहां बेन के डायमंड हेड ने इस ड्रोन के अटैक्स को रिफ्लेक्ट करके उसे दो हिस्सों में काट दिया था, वही ग्वेंटिन ने इस ड्रोन को पूरी तरह उड़ा दिया था। मतलब ग्वेन ने उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बताओ आपको कौन सबसे पावरफुल लगता है? आपको वो टाइम याद है जब ग्वेन फोरम से ट्रांसफॉर्म हुई थी तो उसने ये किया था? उसने अपने चारों हाथों से बॉल पकड़कर बोली किया और निशाना चारों जगह पे सही लगा। बेन तो खुद देखकर हैरान हो गया था कि ग्वेन ऑमनीट्रक्स को उससे अच्छे तरीके से यूज कर लेती है। ये कि तुम इसे मुझसे बेहतर इस्तेमाल करती हो। जब विल्गस को पता चला कि बेन के पास ऑमनीट्रक्स है तो वो उस टाइम उसने बेन को मामूली पृथ्वीवासी कहकर मेंशन किया था, लेकिन जब ग्वेंटिन के टाइमलाइन में विल्गस को पता चला कि ऑमनीट्रक्स ग्वेन के पास है तो उसने ये कहा था कि ये ऑमनीट्रक्स अब जिसके पास भी है वो बहुत पावरफुल है। पृथ्वीवासी, उस ऑमनीट्रिक्स को मेरे हाथ आने। जिसके पास वो ऑमनीट्रिक्स है वो बहुत ताकतवर है। इन एलियंस के अलावा ग्वेंटिन ग्रे मैटर, एक्सेलरेटर और कैनबोल्ड में भी ट्रांसफॉर्म हुई थी और हाँ वो वाइल्ड फैन में भी ट्रांसफॉर्म हुई थी। इस अल्टरनेट ग्वेन ने बाकी कोड वेंस के साथ मिलकर इविल वेंस को कड़ी टक्कर दी है। साथ ही ग्वेन ने तो अल्टरनेट टाइमलाइन में विल्गस को हराने में भी मदद किया है, जबकि बेन ने बचपन में अल्टरनेट विलेन से फाइट नहीं किया है। गुड बेन वर्सेस इविल बेन के फाइट में हमें 10 या 11 साल का बेन देखने को नहीं मिला है, पर 10 या 11 साल का ग्वेन हमें देखने को मिली है। लेकिन मल्टीवर्स के इस महाफाइट में हमें 10 साल की ग्वेन देखने को मिली, ना कि 10 साल का बेन। इसका मतलब क्या ग्वेंटिन हमारे बेंटिन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है? ये तो आप लोग ही बताओगे नीचे कमेंट पे, पर मुझे लगता है कि ग्वेन ज्यादा मैच्योर है बेन के मुकाबले, इसलिए वो अपनी एलियन पावर्स को सही से इस्तेमाल कर पाती है। साथ ही वो बहुत इंटेलिजेंट भी तो है। ग्वेन की जिन एलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोगों ने ऑन स्क्रीन देखा है उनके अलावा भी वो कुछ और एलियन में ट्रांसफॉर्म हुई है, लेकिन ऑफ स्क्रीन में, जिसके रिपचर्स और अपग्रेड। ग्वेंटिन कितनी पावरफुल है ये तो आप लोगों ने जान लिया। अगर आप लोग ग्वेन से रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग जानना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और कुछ नया जानना चाहते हो तो उस राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।